हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। अभी मैं टेरेस पर आई हूँ अपने प्लांट्स की देखभाल करने के लिए, उन्हें पानी देने के लिए। कुछ प्लांट्स में मैं खाद वाद भी दूंगी, तो आप लोगों को अपने टेरेस का व्यू दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, इस टाइम मेरे टेरेस पर क्या क्या हो रखा है, आइए चलिए देखते हैं। आप लोग देख सकते हो, ये मेरे सरसों का पेड़ है, ये कितना हेल्दी है और कितना हरा भरा है, बहुत प्यारा हो रखा है। ये लहलहाता हुआ मेरा सहसुत का पेड़, इस पे लंबे वाले सहसुत लगेंगे, जब लगेंगे तो आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मैंने अमरूद की हार्ड प्रूनिंग करी थी, आप लोगों को दिखाया था वीडियो में। अब इसमें इतनी सारी नई नई शूट्स निकल आई हैं, टहनियाँ निकल आई हैं चारों तरफ, आप लोग देख सकते हो कितनी सुंदर हो रखा है। ये प्लांट भी मेरा बहुत ही प्यारा हो रखा है, पूरा हरा भरा, इसने बहुत अच्छे से ग्रोथ ले रखी है। और ये मैंने दो प्लांट मंगाए थे बीच में, ये चेरी का प्लांट है, ये भी मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है। ये चेरी का प्लांट है मेरा, और एक चेरी का प्लांट मैंने इधर लगा रखा है, ये दूसरी वैरायटी है, ये जैपनीज चेरी है, इसमें कांटे लगे हुए हैं। आप लोगों को बिल्कुल करीब से दिखाऊँ, इसमें कांटे होते हैं और उसमें कांटे नहीं है, वो वैसा प्लांट है। इसमें भी नई नई खोपड़ी फूटी हुई है, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से फुटाव ले रखा है इस प्लांट्स ने भी। एक बार इसने अपने पूरी पत्तियाँ झाड़ दी थी, अभी नई नई पत्तियाँ निकली हैं, बहुत ही कोमल कोमल सी, बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये मैंने इसमें ककड़ियाँ लगा दी हैं, ये मैंने कंटेनर खाली किया था, तो इसमें खाद वाद डाल के इसमें मैंने ककड़ियाँ लगा दी हैं। और ये मेरे फ्लावर देख सकते हो, कितने सारे फ्लावर लगे हुए हैं सदाबहार के, ये हमेशा फूलों से भरा रहता है पूरे साल, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये मेरी मिर्ची के प्लांट्स, ये सभी इस टाइम ऐसे हो रखा है मेरे टेरेस पर। और ये मैंने बड़ा मेरा जो अमरूद का प्लांट था, उसकी मैंने बहुत हार्ड प्रूनिंग कर दी है, काट दिया है इसको, क्योंकि इस पर फल ही नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने ये बिल्कुल ही काट दिया है। तो अब इसमें नई नई टहनियाँ जो निकलेंगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और एक ये मेरा अमरूद का प्लांट है, इस पर आप लोग देख सकते हो एक अमरूद लगा हुआ है, और ये बिल्कुल बहुत छोटा सा प्लांट है, अभी ये साल भर का भी नहीं हुआ है। ये अलग वैरायटी है। और एक वो जिसमें पिंक गुआवा है, वो तो मैंने आप लोगों को दिखाए थे, उसमें तो आधी आधी किलो से फालतू के अमरूद निकले थे मेरे, अब इस पर भी ये लगा हुआ है, देखते हैं कितना बड़ा होएगा। ये अलग वैरायटी है, ये भी बहुत अच्छा प्लांट चल रहा है मेरा, बहुत हेल्दी है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और इधर आप लोगों को दिखाऊँ, ये इसमें मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं टमाटर के, ये छोटे छोटे में ही फ्लावर आ गए थे तो मैंने पूरे झाड़ दिए हैं, क्योंकि मैं इन प्लांट्स में जैसे ये फ्लावर आए हैं इनको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं अभी इस प्लांट को बड़ा करूँगी, फिर मैं इससे फल लूँगी। ये जितने भी वो हैं निकलते हैं फूल, वो मैं सारे निकाल देती हूँ। इधर ये आप लोग देख सकते हो, इसके भी मैंने सारे फ्लावर झाड़ दिए थे, अभी ये भी अच्छे से चल रहा है, इसने सही हाइट ले रखी है। इधर भी आप लोग देख सकते हो, और एक फ्लावर रह गया था जिसमें कि देखो प्लांट बन, ये मेरा टमाटर बन गया है, ये मैंने छोड़ दिया, देखते हुए कैसे टमाटर लगेंगे। और इसमें भी फ्लावर आए हुए हैं, दो बार मैं झाड़ चुकी हूँ इसके फ्लावर, क्योंकि मैं इसको और बड़ा करना चाहती हूँ, तब मैं इससे फूट लूँगी। और इन सब क्यारियों में मैंने पालक और लाल चुलाई ये सब मैंने लगा दी है, जब इसमें खराब होएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये सारी क्यारियों में मैंने बहुत अच्छे से खाद वाद डाल के इनमें बहुत अच्छी तैयारी करके, और मैंने इसमें सब में सब्जियां लगा दी हैं, जब वो निकलेंगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये मेरे टमाटर आप लोग देख सकते हो कितने हेल्दी हो रखे हैं बिल्कुल, और ये बिल्कुल रेड हो गए हैं, बिल्कुल तोड़ने लायक हो गए हैं ये टमाटर, और आप देख सकते हो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसमें मैंने चार पांच टमाटर तोड़ लिए हैं खाने के लिए सैलेड में, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। बाज़ार में ऐसे टमाटर नहीं आते, जो बाज़ार में से टमाटर लाते हैं उनका टेस्ट ऐसा नहीं होता, ये बहुत ही टेस्टी हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, फ्लावर भी हैं और सब भी, और इधर भी ये
रेड हो रखे हैं मेरे टमाटर, और इस फ्लावर में भी, इस प्लांट में भी मेरे टमाटर रेड हो गए हैं, ये तोड़ने लायक हो रखे हैं, और इसमें टमाटर भी बनने लगे हुए हैं, फ्लावर भी आए हुए हैं, और ये बहुत अच्छे से चल रहा है मेरा टमाटर का प्लांट। और ये मेरी तुलसी बिल्कुल हरी भरी, बिल्कुल बहुत ही सुंदर लग रही है, और सभी प्लांट्स में फ्रूटिंग हो रखी है, फ्लावर भी आए हुए हैं और फ्रूटिंग भी हो रखी है, तो बहुत अच्छे चल रहे हैं मेरे प्लांट्स सारे के सारे। और आप लोगों को उधर दिखाऊँ, ये इसके सारे फ्लावर झड़ गए हैं, बीच में बहुत आंधियाँ चली थी तो उससे आंधी बारिश आई तो सारे फ्लावर झड़ गए हैं मेरे। मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि मेरे अनार के सारे फ्लावर झड़ गए हैं, इस पे से भी पूरे के पूरे झड़ गए हैं, बस एक ही इस पेड़ में रह गए हैं। आप लोगों को दिखाऊं, बस इसमें बचे हुए हैं, लेकिन उसके सारे के सारे झड़ गए हैं, बहुत सारी फ्रूटिंग होती है उस पर, और इस वाले प्लांट पे ये फल बनने में लग गया है। आप लोगों को बिल्कुल पास से दिखाऊं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये फल बन गया है फ्लावर का, तो इस पर फल बनने में लगे हुए हैं। और अपने नींबू दिखाऊं मैं आप लोगों को, ये मेरे नींबू का प्लांट है, इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग हो रखी है, और बहुत बढ़िया प्लांट है ये, मैं सभी को सजेस्ट करूँगी यही प्लांट लगाएं, ये बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। आप लोग देख सकते हो मेरे नींबू ये मोटे मोटे बनने में लगे हुए हैं इधर भी, और इस पर कोई भी ऐसी टहनी नहीं है जिस पर बम्पर हार्वेस्ट बम्पर फ्रूटिंग हो रखी है इस पर, बिल्कुल आप लोग देख सकते हो इतने सारे, कोई भी ऐसी टहनी ही नहीं है जिस पर कि फ्लावर ना लगे हों, वो भी गुच्छों में ये नींबू बनने में लगे हुए हैं, ये अपना साइज इंक्रीज कर रहे हैं सारे, मोटे मोटे भी हो रखे हैं पूरे के पूरे प्लांट में, आप लोग देख सकते हो। और ये मेरा मौसमी का प्लांट बहुत हेल्दी हो रखा है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये पूरे साल हरा भरा रहता है और बहुत ही प्यारा लगता है ये, इसमें कभी भी ये सूखता नहीं है, और बहुत हेल्दी प्लांट है ये मेरा, इस पर मौसमी लगे ना लगे लेकिन ये हरा भरा रहता है, तो इससे मन बहुत खुश हो जाता है इसको देख के। और उसकी पत्तियाँ भी नहीं झड़ती, और अगर झड़ती हैं तो बहुत जल्दी इसमें नई नए सूट्स निकलाती हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मेरा पुदीना, आप लोग देख सकते हो कितना हेल्दी हो रखा है, और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है इस पुदीने में, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, मार्केट से जो पुदीना लाते हैं उससे ये इसमें ज़्यादा खुशबू आती है, उसमें इतनी खुशबू नहीं होती, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है बिल्कुल। और ये मेरे कड़ी पत्ते के प्लांट, नई नई सूट्स निकल आई हुई है इसमें, नई नई खोपलें फूट रही है, आप लोग देख सकते हो बहुत हेल्दी प्लांट है मेरा ये भी, कितना बड़ा हो रखा है, पूरा प्लांट आप लोगों को दिखाऊं। ये मैंने दो प्लांट लगा रखे हैं क्योंकि मैं सांभर बनाती हूँ तो उसमें यूज़ करती हूँ, पोहे में यूज़ करती हूँ, राइस में भी, राइस पुलाव बनाती हूँ उसमें मैं यूज़ करती हूँ, और वैसे भी पत्तियाँ खाने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है बॉडी में, तो हेयर ऑयल बनाती हूँ उसमें भी मैं यूज़ करती हूँ उनको कड़ी पत्ते को, तो ये भी मेरे बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और ये मैं अपने बैंगन के प्लांट आप लोगों को दिखाऊं, तो ये आप लोग देख सकते हो कितने इसमें बम्पर फ्रूटिंग हो रखी है, बिल्कुल आप लोग देख सकते हो पास से फ्लावर भी आए हुए हैं, फ्रूटिंग भी हो रखी है इस तरह से, कितने गुच्छों में लगते हैं इस पर। और ये तीसरी चौथी बार लग रहे हैं इसमें, कोई भी ऐसी टहनी नहीं होगी जहाँ की इसमें फल ना बनने को लगा हो, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल सारे में, ये मेरे तीन प्लांट हैं, तीनों में बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रखी है, आप लोग देख सकते हो पास से, मेरे बहुत अच्छे प्लांट हैं। और मेरे को बहुत खुशी होती है जब थोड़ी सी मेहनत करके जब हमें फल मिलता है, तो उसके बात ही निराली है। तो ये सब मैंने आप लोगों को दिखाया, इसी टाइम पर मेरे टेरेस पर इतनी सारी चीज़ें हो रखी हैं, आप लोगों को दिखाया दोस्तों मैंने मेरे टेरेस पर इस टाइम क्या क्या हो रखा है। मेरा बहुत मन खुश हो जाता है जब मैं टेरेस पर आती हूँ और इनकी देखभाल करती हूँ। आज मैंने इनमें खाद डाल दिया है और पानी दे दिया है अभी, और जो टमाटर मेरे रेड हो रखे हैं उनको मैं तोड़ लूँगी, और बहुत टेस्टी टमाटर हैं ये। इस तरह से आप लोग भी अपने टेरेस गार्डन
बना सकते हो अपनी छत पे और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, हरा भरा व्यू देख के मन बहुत खुश हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुश हो, मस्त रहो, इन्जॉय करो। बाय बाय एवरीवन।